अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने का और मुझे इनवाइट करने का। मैं अपना ब्रीफली अपने बारे में बता दूं। सुकैना मेरा नाम है और इस वक्त मैं टोरंटो में रहती हूँ। ओरिजिनली कराची पाकिस्तान से हूँ। बैकग्राउंड मेरा है मेंटल हेल्थ और एडिक्शंस, और सो जनरल मेंटल हेल्थ, ओवरऑल जितने भी हम डिसऑर्डर्स वगैरह कहते हैं उसमें मेरी जनरल ट्रेनिंग है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। और कनाडा आके इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा काम एडिक्शंस के साथ ज्यादा हुआ, यानी किसी भी तरह का ड्रग, किसी भी तरह का अल्कोहल, क्योंकि यहाँ ये मसला बहुत ज्यादा है, तो वो मेरा काम है। और साइकोथेरेपी काउंसलिंग, वो मेरी ट्रेनिंग है, मेरी स्पेशलिटी है, उसी में मेरे पास कनाडा में लाइसेंस है। तो जो टाइटल है मेरा वो साइकोथेरेपिस्ट का है, रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट। स्पेशल नीड्स की तरफ इंटरेस्ट कैसे है, वो इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स जब मेरे पास यहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं तो उनमें से बहुत से वो होते हैं जिनके बच्चे या फैमिली मेंबर में से किसी की स्पेशल नीड होती है, और उनकी केयर करते करते शायद वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। और फिर एक वो टाइम आता है जब वो खुद भी अपसेट हैं, डिप्रेस हैं, उदास हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, और फिर वो टाइम आता है कि उन्हें भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि केयर गिवर्स की अपनी नीड के बारे में आप बात करना शुरू करें, क्योंकि केयर गिवर्स सही होंगे तो फिर वो केयर प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सीमा एवरीवन अस्सलाम जी. आई एम ऑल्सो मदर ऑफ अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड. सुकैना, मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि मेरी बेटी शी वॉज CHD विद मल्टीपल हार्ट इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज एज वेल. तो व्हेन शी वॉज बॉर्न द डॉक्टर्स दे सेड दैट शी विल नॉट सर्वाइव. वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन यही है कि वो जर्नी थ्रू आउट इतने अप्स एंड डाउन्स रहे. फॉर द फर्स्ट 3.5 ईयर्स हमारी फ्रीक्वेंट ICU में हॉस्पिटलाइजेशन रही, और ये था कि सारा घर डिस्टर्ब हो गया. मेरे जो बच्चे बड़े वाले हैं वो डिस्टर्ब हो गए, मैं खुद. तो वो एक ऐसा टाइम होता है, लाइक इधर या तो हमें बच्चे पे फोकस करना था, फाइका की हेल्थ की इश्यूज थे. बीच में उसका 2 ईयर्स की एज पे कार्डिक हार्ट फेल्योर भी हो गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्टेड हर बैक टू अस. तो हमारी इस तरह की अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नीज होती हैं कुछ फैमिलीज की स्पेशल नीड्स की. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इसमें हमें इनिशियली क्या डॉक्टर्स का रोल होना चाहिए, कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने पेरेंट्स को कैसे काउंसिल करना है, उनको कैसे गाइड करना है, या इसके लिए स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स होने चाहिए कि व्हेन द बेबी इज बोर्न विद स्पेशल नीड डायग्नोसिस हो जाते हैं तो पेरेंट्स को कैसे गाइड किया जाएगा, या हमने अपने उस जर्नी में अपना ख्याल कैसे रखना है, बिकॉज वी कंप्लीटली इग्नोर आर सेल्फ बीइंग मदर्स. और हमारी प्रायोरिटी यही होता है कि पहले बच्चे की जान है, फिर उसकी सेहत है, फिर उसके माइलस्टोन्स हैं, उन सब को लेकर चलना. और दूसरा, हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती चीजों की, हम वक्त के साथ साथ चीजों को सीखते जाते हैं. तो मेरा यही क्वेश्चन होगा कि कैसे इस प्रोसेस को, हम इस जर्नी को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लेकर अपने आप को भी फोकस करें, अपने बाकी बच्चों को भी, और स्पेशल नीड्स का जो बच्चा है उसको भी लेकर सीमा, चलें. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है पूरे आज की प्रेजेंटेशन को आपके इन क्वेश्चंस ने सम अप किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ जर्नी, जो आपने खुद कहा अप्स एंड डाउन की जर्नी है, और पेरेंट्स, स्पेशल नीड्स वाले पेरेंट्स के लिए वाकई चीजें बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, और अल्लाह अल्लाह आपके लिए ये चीजें आसान करे, मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। लेकिन आई आई टोटली अंडरस्टैंड। देखिए सीमा, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हर डॉक्टर शायद मेंटल हेल्थ या केयर गिविंग में इक्विप ना हो। डॉक्टर्स बड़े स्पेशलाइज हैं हमारे मुल्क में, तो अगर वो हार्ट का डॉक्टर है तो वो सिर्फ हार्ट की तरफ ही हमें गाइड कर सकते हैं, वो जनरली पेरेंट की तरफ हमें गाइड नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिसोर्सेज में पूल ऑफ प्रोफेशनल्स होने चाहिए। सो हार्ट स्पेशलिस्ट या स्पेशल नीड स्पेशलिस्ट आपके बच्चों को, आपकी बेटी को हेल्प कर रहे हैं लेट्स से,
बट हु इज हेल्पिंग यू एज अ मदर, क्योंकि आप भी तो एक जर्नी पर हो ना. द चाइल्ड इज एट अ जर्नी ऑफ दिस रिकवरी ट्रीटमेंट, बट द सो आर द पेरेंट्स, सो आर दी, सो इज द फैमिली. सो उस केस में मुझे लगता है कि डॉक्टर शायद हमें उतना सपोर्ट ना कर सके, हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या केयर गिवर एक्सपर्ट ज्यादा सपोर्ट कर सकेंगे. और होपफुली हमारे हमारे मुल्क में अब ऐसे प्रोफेशनल सामने आए जहाँ लोग इस तरह की ट्रेनिंग ले, जहाँ पे वो केयर गिविंग और रेस्पाइट की बात करना शुरू करें. सो मल्टीपल मल्टीपल अ टीम ऑफ मल्टीपल प्रोफेशनल जहाँ पे अलग अलग लोग हमारे को हमें सपोर्ट कर रहे हैं. जहां तक बात है कि हम किसके पास जाएं, अपनी अपनी हेल्थ, अपनी थेरेपी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए हमें हमेशा लगता है कि हम पहले अपने बच्चों का हर काम कर लें, उसके बाद हम अपना ध्यान रखेंगे. तो सुबह से शाम हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक सोचें, एक बैंक अकाउंट है, उसमें आपने पैसे रखे हुए हैं, उसमें से अगर आप सिर्फ निकालते जाएंगे तो एक स्टेज पे आके वो खत्म हो जाएगा. वो चलता रहे उसके लिए डालना भी जरूरी है. इसीलिए केयर गिवर्स की हेल्थ और मेंटल हेल्थ इतनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो अकाउंट, बैंक अकाउंट डिप्लीट हो गया तो हम बच्चों का ध्यान नहीं रख सकेंगे. तो पहले ध्यान अपना रखना है, फिर बच्चों का रखना है. कल्चरली पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर ये कि पहले बच्चों का सब कुछ करो, बाद में अपना करो. और अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमें बड़ा गिल्ट इंड्यूस किया जाता है पेरेंट्स के अंदर. मुझे याद है मेरे बच्चे जब छोटे थे तो गुजराती हम बोलते हैं, एक कहावत थी उस जमाने में, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि उन्हें किसी ने बताया था गुजराती में, उसका ट्रांसलेशन ये था कि छोटे बच्चों की माओ को नींद कैसे आ जाए. इन अदर वर्ड्स के पहले बच्चों को 24 घंटे अटेंड करो फिर सो. मगर अगर माँ नहीं सो रही है तो बच्चे को अटेंड कैसे करेगी? सुबह तो वो ग्रॉगी होगी, क्रैंकी होगी, उसकी अपना मूड खराब होगा तो वह सारा बच्चे पे निकलना है. सो अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी बननी है यहाँ पर. वही बात है, अगर हम बेहतर हैं तो बच्चे बेहतर हैं. और जो लोग, जिन्होंने यहाँ पे फ्लाइट में ट्रेवल किया है, वो एक इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि अगर ऑक्सीजन का डिप्लीट होगा और मास्क ड्रॉप आउट होंगे तो पहले आप अपना मास्क पहनना, फिर अपने साथ वालों को मास्क पहनाना. पता चला आप उन्हें मास्क पहना रहे हैं और आपका अपना ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया, आप अपने आप को भी नहीं संभाल पाए और उन्हें भी नहीं संभाल पाए. सो सेल्फ केयर प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है. हमने देखा है पेरेंट्स विद स्पेशल नीड जिनके बच्चे हैं, उनका बर्न आउट जो फेज आता है, जिसमें मेंटल बर्नआउट, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ तक के पीटीएसडी के डायग्नोसिस भी मैंने देखे. पीटीएसडी मतलब बच्चे का ध्यान रखते रखते पेरेंट्स को खुद ट्रामा हो गया है. इतना शदीद इम्पैक्ट है अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते. फिजिकली मैंने देखा है डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, यहाँ तक के कैंसर्स भी सामने आए हैं क्योंकि लोगों ने अपना ध्यान नहीं रखा, माँ बाप ने सिर्फ बच्चों पे फोकस किया है. और सॉरी मैं माँ बाप का वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन केयर गिवर्स माँ बाप से भी ज्यादा होते हैं. कभी हमारे पास दादा दादी भी इन्वॉल्व होते हैं, बहन भाई भी इन्वॉल्व होते हैं. सो व्हेन आई से केयर गिवर आई मीन एवरी केयर गिवर. ठीक है, हमने देखा है फटीग, लाइक थके हुए बैठे हैं, काम पड़ा हुआ है, बच्चा हमें बुला रहा है लेकिन हम उठ ही नहीं पा रहे क्योंकि मेंटल फॉग, मेंटल ब्लॉक आया हुआ है, क्योंकि फटीग इतनी है, बॉडी डिप्लीटेड है, कुछ फंक्शन ही नहीं कर पा रहे. उस केस में जब हम केयर गिविंग पे जाते हैं तो देन वी आर टायर्ड, हमारे मूड स्विंग्स हैं, हम बच्चों को डांट रहे हैं, ये सही नहीं होता है. तो अपनी केयर से स्टार्ट करना है. प्लस सबसे बड़ा फैक्टर क्यों अपनी केयर इंपॉर्टेंट है, हमने देखा है मैरिजेस पे इम्पैक्ट आ जाता है. अगर बच्चा स्पेशल नीड्स का है तो हस्बैंड और वाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, शादी सिर्फ बराए नाम शादी रह जाती है क्योंकि मियाँ बीवी के पास आपस के लिए कोई टाइम ही नहीं है. और अगर आपस में वो बात करें तो सिर्फ बच्चे, बीमारी, डॉक्टर और दवाइयों की बात हो रही है. देर इज नथिंग पर्सनल लेफ्ट इन देयर लाइफ. वो स्पार्क खत्म हो जाता है. पता चला एक तरफ बच्चा संभाल रहे हैं, एक तरफ अपनी हेल्थ संभाल रहे हैं, एक तरफ शादी संभाल रहे हैं. इमेजिन कि कितना प्रेशर आ जाता है केयर गिवर्स पे. इसीलिए उनकी अपनी हेल्थ में कहती हूँ प्रायोरिटी पर है. दिन में कुछ टाइम अपने लिए निकालें, अपने आप को संभालें, आपके मूड्स बेहतर होंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज इफेक्ट ट्रिकल डाउन करेगी, बाकी बच्चे भी घर में सेटल फील करेंगे. और जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, देखिए इमोशनली तो वो एक्टिवेटेड है ना, उन्हें इमोशंस तो समझ आ रहे हैं. माँ जब चेहरे पे सुकून लाती है तो बच्चों को भी सुकून आता है. माँ बाप के चेहरे पे जब तसल्ली होती है, मुस्कुराहट होती है तो बच्चों को भी पता है वाइब्स घर की आज पॉजिटिव है. तो वो अपनी भी एनर्जी आप लोग आगे ट्रांसफर करते हैं. तो इसलिए सेल्फ केयर का एलिमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. थेरेपिस्ट के पास जाएं प्लीज, वन टू वन काउंसलिंग लें, कभी हफ्ते में एक दफा जाएं, नहीं अफोर्ड कर सकते 2 हफ्ते में एक दफा, 3 हफ्ते में एक दफा. मैं तो कहती हूँ कि ठीक है अगर बहुत हमारे पास पैसे नहीं है, शाम में 10 मिनट की वॉक करने जाएं, दोस्तों के साथ फोन पे बात कर लें,
रात में आधा घंटा अपनी पसंद का टीवी का प्रोग्राम देखें, ये सब सेल्फ केयर का पार्ट है। अपने लिए टाइम निकालें जहां आपको पता है कि ये मेरा टाइम है, शट डाउन फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स यू योर सेल्फ। अगर रिलेशनशिप में है तो हस्बैंड वाइफ अपनी बातें करें, पर्सनल बातें करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सीमा, आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन आंसर किया हो, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, तो और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम मजीद इसमें इन्फॉर्मेशन फिल इन करते रहेंगे। ठीक हो गई, थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान में चूंकि थेरेपिस्ट इतने नहीं है और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि भाई एक थेरेपिस्ट के पास जाएं और इतनी अपने आप को ट्रीट दें, एंड यू नो पीपल डोंट सॉर्ट ऑफ अप्रूव, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, देन दे सेंगे ये अपने नखरों में आ गई है। तो आई वुड जस्ट आस्क कि इज इट पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट दैट विद फ्रेंड्स एंड गॉसिप, क्या करें हम लोग? बिकॉज माई सिस्टर फॉर एग्जाम्पल टेल्स मी कि तुम जाकर ना ब्यूटी पार्लर जाकर अपना फेशियल करा लो, एंड आई हेट दैट बिकॉज यू नो नहीं मेरा नहीं होता इस तरह, सो आई नीड अदर थिंग्स टू डू एंड आई वुड वॉन्ट यू टू गिव अदर ऑप्शन। अगेन, थेरेपिस्ट की एक्सेसिबिलिटी मुश्किल है, कम है और महंगी है। ये तो बहुत ही नोन बात है, और आई होप इस फोरम के थ्रू हम ये बातें करना शुरू करें कि ये सर्विसेज अब अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। कनाडा में मैंने एक बड़ी जबरदस्त चीज देखी है, यहाँ पे हम कहते हैं सपोर्ट ग्रुप्स। तो लेट्स से कि 1-to-1 थेरेपी 1 घंटे की फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए की, और ऑफकोर्स लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि 8 या 9 लोग साथ में एक ग्रुप बना लेते हैं, और फिर एक एक थेरेपिस्ट या एक बंदा जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो उस ग्रुप को रेगुलेट करते लीड कर रहे होते हैं। सो टेक्निकली दिस इज थेरेपी, बट दिस इज ग्रुप थेरेपी, और उसकी इक्वल इफेक्टिवनेस है। और इफेक्टिवनेस इसलिए क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली हम में से हर कोई थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो फिर ग्रुप में उसकी कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाती है। लेट्स से 5,000 डिवाइडेड बाय 10 500 हो जाती है, या इस तरीके से। उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो आपको बात करने का मौका मिलता है, जो दिल में भरा हुआ होता है, हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आराम से निकल जाती है। और प्रोफेशनल के होने का फायदा ये कि वो प्रॉपरली हमें होल्डिंग देते हैं। देखिए, दोस्त अहबाब सिर्फ सुन सकते हैं, वो ट्रेंड नहीं है हमें संभालने में या हमारे मसलों की स्पेशलिटी को समझने में। प्रोफेशनल उसको प्रॉपरली डील करना जानते हैं, प्रॉपर सजेशंस देना चाहते हैं, आपको प्रॉपरली इमोशनली होल्ड करना चाहते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल भर जाता है केयर गिविंग कर करके। वी नीड टू वेंट आउट, सो दैट्स व्हाई सपोर्ट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, तो हमें पता है कि हम अकेले नहीं है, और भी लोग हैं जिनके हमारे जैसे हालात हैं, उससे भी बड़ा हौसला होता है। तो आपको पता है रात में अगर बच्चे को फिट आता है या टेंट्रम आता है, तो आपको पता है सपोर्ट ग्रुप का फलां बंदा मेरे घर से इतना करीब है, पहला फोन में वहां जा सकती हूँ। तो वो रिसोर्सेस का पूल आपका ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाता है। जिस तरह मैं शुरू में कह रही थी ना, हमें ज्यादा प्रोफेशनल चाहिए, सिर्फ एक डॉक्टर या एक थेरेपिस्ट से नहीं होगा। वो कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, पूरा विलेज क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आपके नेबर्स इन्वॉल्व होंगे, आपके इन-लॉज इन्वॉल्व होंगे, आपके माँ बाप इन्वॉल्व होंगे। कितनी दफा मैंने यहाँ पे अपनी दोस्तों से सुना है कि बच्चे घर से निकल गए, पेरेंट्स को पता ना चला, पड़ोसी और नेबर्स उठा के वापस लेकर आए, क्योंकि उन्हें पूरे विलेज का एक सिचुएशन है। लोगों को पता है कि इस घर में स्पेशल नीड्स है, तो हमें इनकी दरवाजों पे नजर रखनी है कि ऐसा ना हो कि बच्चा निकल जाए जब माँ या बाप बाथरूम में हो, फॉर एग्जाम्पल। सो वी नीड टू क्रिएट दैट विलेज। उसके लिए सपोर्ट ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट ग्रुप को एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डील करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक दोस्तों से बात करने की बात है, अमेजिंग आइडिया, अमेजिंग आइडिया। दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम तो बड़ा अच्छा सेल्फ केयर है, बट एट वन पॉइंट ऐसा आता है कि वो हमारी बात सुन सुन के थक जाते हैं, क्योंकि हम सेम ही बात कर रहे हैं और उनके पास हमारे लिए कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि ये उनकी फील्ड नहीं है। सो टर्न्स आउट कि हम उनको ओवरवेलम कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप्स पे स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है। इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि हम किसी प्रोफेशनल से सपोर्ट लें, दोस्तों के साथ बातें करना अमेजिंग, दूसरे टॉपिक्स पे बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक बात है आपकी बहन ने कहा फेशियल कराओ, आई अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती हैं, मगर बड़ा जबरदस्त सजेशन है ऑनेस्टली, क्योंकि सेल्फ केयर का पार्ट है। आप जब जाते हैं तो देखें, ये सिर्फ फेशियल नहीं है, आप घर से जाते हैं, आप थोड़ा तैयार होकर घर से निकलते हैं, उस एनवायरमेंट से बाहर आते हैं, आप जाके उस फेशियल की चेयर पे बैठते हैं, दे मेक यू फील लाइक अ प्रिंसेस,
आराम से आप बैठे, उन्होंने आपके शोल्डर्स पे भी मसाज किया, आपके फेस पे भी मसाज किया, आपके बाल भी बना दिए। ये सारी चीजें स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाजेस आर वेरी गुड फॉर स्ट्रेस रिलीज। जब बॉडी ओवरवेल्म हो तो प्लीज मसाज कराइए, स्किन ओवरवेल्म हो तो प्लीज फेशियल कराइए। कुछ नहीं मिलता तो रात में अच्छे से अपने आप को ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है आपका अच्छा दिखना। वेन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ये आपको एनर्जी देती है, सेंस ऑफ पर्पज देती है, आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे मेरे होने का भी कोई फायदा है, लाइक मैं अपने लिए वैल्यूएबल हूँ। फेशियल्स, कॉफी, सेल्फ केयर, मुझे पता है पाकिस्तान में कैफेज बड़े महंगे हैं, हमारे पास $1 की कॉफी मिलती है। आपने देखा है यहाँ पे अगर कोई हो तो अक्सर ग्रुप्स बैठे होते हैं, सुबह 10 10 12 12 लोगों का ग्रुप बैठा होता है क्योंकि कॉफी सस्ती है, हम बैठ जाते हैं आराम से बात करते हैं। बहुत ही कॉमन कल्चर है यहाँ पे कि बैठो ग्रुप्स में बात करो, सेल्फ केयर करो। कभी लोग जाते हैं अपने नेल्स मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, साथ मिलकर बातें करते हैं। सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। शाम में वॉक करना वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पसंद का खाना खाना वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी दफा मुझे माएं बताती खाना खाना भूल गए, पानी पीना भूल गए। मैं पूछती हूँ पूरे दिन में कितना पानी पिया, वन ग्लास। लैक ऑफ हाइड्रेशन तो डायरेक्टली कनेक्टेड है एंजाइटी से। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपको एंजाइटी के सिम्टम्स आएंगे, पैल्पिटेशंस होंगी, स्वेटिंग होगी, दिमाग फॉगी होगा, यू वोंट बी एबल टू थिंक स्ट्रेट, राइट। बाबूजी तो पानी पानी बेसिक नीड्स ही हम भूल जाते हैं जब हम दूसरों की केयर, अपने बच्चों की केयर में लगे होते हैं। तो प्लीज अपने लिए टाइम निकालें, एटलीस्ट खाना तो प्रॉपर खाएं, ब्रेकफास्ट तो अच्छा करें। नहीं, पहले बच्चों को खिलाएंगे फिर खाएंगे, जरूर माँ का दिल ऐसा ही है, पहले खुद खाओ फिर उनको भी खिलाओ, साथ साथ खाओ, इट्स इम्पोर्टेंट।